गेहूं के आटे से ही मोदक बनाएंगे, लेकिन इसमें हम ना तो भाखरी बनाएंगे ना तो हम मुठिया बनाएंगे। और ऐसे ही लड्डू बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, भगवान का प्रिय गणपति बापा का। मोदक लड्डू बनाएंगे एकदम बढ़िया, जो हम घर में जैसे भाखरी का बनाते हैं वैसे ही हम घर पे इससे ही आटा से अच्छा बना सकते हैं। यम्मी कुक में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे मैंने 1 कप घी ले लिया है, इसको मेल्ट कर देंगे। तो यहाँ पे घी हमको 1 कप लेना है, ये मेल्ट हो गया है। इसके अंदर हम 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। तो मैंने ये बारीक वाला लिया है, अगर आपके पास मोटा वाला है तो आप मोटा वाला भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास बारीक वाला था तो मैंने बारीक वाला लिया है। इसको हम थोड़ा धीरे आंच पे सेकेंगे तो इसकी एक स्मेल आएगी, थोड़ा सा कलर चेंज होगा, तब तक हम इसको सेकेंगे। तो इसको धीरे आंच पे सेकना है हमको। इसके बाद इसके अंदर हम 1/4 कप सूजी डालेंगे, क्योंकि मैंने बारीक वाला लिया है इसलिए मैं सूजी डालूंगी। अगर आप मोटे वाला आटा लेते हो तो आपको सूजी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसकी भी एक स्मेल आ जाएगी और अच्छे से एकदम बढ़िया से पक जाएगा ये। मैंने ये रेडी कर दिया है। अभी इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो 10 से 12 मैंने बादाम ले लिए है, 10 से 12 मैंने काजू डाल दिया है, और 10 से 12 मैंने लाल सूखी वाली जो द्राक्ष आती है वो ले ली है। ये आपकी चॉइस के हिसाब से आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, मैंने इतनी क्वांटिटी डाली है। और इसमें 1/4 कप हम कोकोनट बुरू डालेंगे ताकि एकदम बढ़िया से इसका टेस्ट आएगा इसके साथ, तो ये ज़रूर से ऐड करना। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, तो इसके साथ हम ड्राई फ्रूट के साथ बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। यहाँ पे 2 टेबलस्पून हम मलाई डालेंगे। जी हाँ, आज तक आपने कभी भी लड्डू बनाया होगा तो इसमें मलाई नहीं डाली होगी, लेकिन मैं आज मलाई डाल के इसका एक बढ़िया सा फॉर्म में बनाऊंगी, तो ये क्रीमी तो बनेगा लेकिन बहुत टेस्ट में अच्छा लगेगा आपको। तो हमको इसमें घी भी थोड़ा कम लगेगा, जैसे हम दूसरे लड्डू बनाते हैं उसमें घी ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसमें हमको कम लगेगा। तो ये मैंने मलाई के साथ मिक्स कर दिया है, जब तक कढ़ाई नहीं छोड़े तब तक हम इसको पकाएंगे इसके साथ। तो ये अच्छे से पक गया है, तो यहाँ पे मैं एक बाउल में इसको निकाल दूंगी। तो ये बाउल में ठंडा करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से पक भी गया है। तो वैसे ही हमको रेडी करना है। अभी यही कढ़ाई में हम 1 कप और घी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कढ़ाई गैस पे रख देते हैं, घी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 कप गुड़ ले लूँगी। तो मीठा आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा कम वो आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है। इसके बाद इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको हमको ज़्यादा पकाना नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, थोड़ा सा बबल्स होगा तब तक हम इसको पकाएंगे। तो ये भी आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसको ज़्यादा पकेगा तो लड्डू सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छे से बबल्स बबल्स होने लगा है, तब तक हम इसको पकाए हैं। अभी इसके अंदर हम जो आटा वाला जो बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने, तो एकदम बढ़िया से टेस्ट में मीठा और गणपति बापा का हम प्रसाद बनाएंगे आज। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी हम जब तक कढ़ाई नहीं छोड़ेगा तब तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेम में फास्ट कर दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाएगा और फटाफट ये रेडी हो जाएगा। तो ये मोदक बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और आप घर पे इसी तरीके से ये बना सकते हो फ्रेंड्स। अभी इसको एक बाउल में निकाल देंगे, तो जो हमने बाउल लिया था वही बाउल में हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो मलाई के वजह से घी भी बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, तो ये इसीलिए अच्छा दिख रहा है घी। अभी इसका हम मोदक बनाएंगे, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले हम। तो लुक तो आप देख सकते हो, खाने की इच्छा हो गई ना फ्रेंड्स।
तो आप ज़रूर से एक बार ऐसे ट्राई करना, तो बहुत ही अच्छे मोदक बनते हैं हमारे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लड्डू का मोदक लिया है, लड्डू का मोल्ड लिया है, तो इसके अंदर मैं लड्डू जैसा बनाऊंगी। अगर आपके पास मोदक का मोल्ड है तो आप मोदक भी बना सकते हो इससे। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और प्रेस करके हम इसका डाल देंगे लड्डू का, और इसके बाद इसको उल्टा कर देंगे तो अच्छे से शेप बन जाएगा। और कितना बढ़िया लगता है लुक वाइज। ऐसे ही हम सारे बिछा देंगे तो रेडी हो जाता है फटाक से ये। आप 10 से 15 मिनट में ये लड्डू बना सकते हो, इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है और आप फटाक से ये घर पे बना सकते हो। तो ये रेडी हो गया है हमारे लड्डू, ऊपर से हम खसखस डाल देंगे तो एकदम बढ़िया लुक वाइज यमी टेस्टी ऐसा हमारा लड्डू रेडी हो गया है। और भगवान का भोग लगाने के लिए आप भी रेडी हो जाओ फ्रेंड्स। तो एकदम बढ़िया ड्राई फ्रूट्स के भरपूर ऐसा हमारा लड्डू रेडी हो गया है। गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।